पा रहे, चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं, 3 राज्यों के, नॉर्थ ईस्ट के चुनाव के नतीजे जो सामने आ रहे हैं, उसकी बड़ी कवरेज भी लगातार जारी है, तो वो भी आइए हम एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। तो हम TV9 भारतवर्ष पर आज एक अलग तरह का हमने कोशिश की है ताकि आपको हम एक 2024 की तस्वीर भी दिखाएं, तो वहीं 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे भी। TV9 भारतवर्ष अकेला ऐसा चैनल है जो 2024 की तस्वीर और उसका सर्वे भी दिखा रहा है, तो साथ ही नॉर्थ ईस्ट के चुनाव के नतीजे भी हम आपको दिखा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के जो नतीजे आ रहे हैं वैसे ही रुझान TV9 और पोलस्ट्रैट के 2024 के सर्वे में भी दिख रहे हैं। और TV9 भारतवर्ष पहला चैनल है जो नॉर्थ ईस्ट के इन 3 राज्यों के चुनाव के साथ साथ आपको यह भी बता रहा है कि अगर आज चुनाव हुए तो देश का मूड क्या है। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि 2024 में क्या हो सकता है, क्या तस्वीर होगी अगर आज चुनाव होते हैं। लेकिन आज जहां चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, अब सीधे वहां का रुख करते हैं। 3 राज्य नॉर्थ ईस्ट के जिनके चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, उसमें तस्वीर किस तरह की उभर कर दिखाई दे रही है, वो टैली आप इस वक्त देख रहे हैं। देखिए किस तरह से जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस वक्त, त्रिपुरा की तस्वीर ऊपर दिखाई दे रही है, तो साथ ही मेघालय और नागालैंड साथ में है। हमारे साथ बाहर से मेहमान भी जुड़े हुए हैं, बादल देवनाथ जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए लेकिन त्रिपुरा में साफ तौर पर इस वक्त बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। 32 में है बीजेपी प्लस, कांग्रेस प्लस 16 पर, TMP 11 पर, TMC 0 पर और अन्य के खाते में भी 1 सीट जा रही है। देखिए अलग अलग तस्वीर, ये हम जो आपको अलग अलग ज़िले हैं उनकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं, तो ये जो आपको ग्राफिक्स हैं उसके ज़रिए हम आपको अलग अलग ज़िलों की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, अलग अलग वोट सेगमेंट्स की तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि कौन से वोटर्स ने किधर अपना मत दिया है। लेकिन जो बड़ी तस्वीर है उस पर मैं बात करूंगी, हमारे साथ बादल देवनाथ जी मौजूद हैं उनसे। बादल देवनाथ जी, देखिए तमाम मुद्दे सामने रखने के बाद जो बड़ी तस्वीर इन 3 राज्यों के चुनाव नतीजों से उभर रही है वो ये कि बीजेपी ने यहां पर अपने आप को पूरी तरह से स्थापित ही नहीं किया है, बाय फ्लूक वो जीते नहीं है। त्रिपुरा में ऐसा नहीं है कि बाय फ्लूक वो एक बार जीत गए, वो वापस दोबारा सत्ता में आ रहे हैं और बहुमत के आंकड़े को छू रहे हैं, वहां तक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बाकी दोनों राज्य में भी उनकी मौजूदगी भरपूर है, तो बीजेपी यहां पर एक प्रमुख दल है, अहम दल बन चुका है। जहां पर यह कहा जाता था कि बीजेपी पहुंच भी नहीं सकती, वहां वो अब वापस सरकार बना रही है। देखिए बीजेपी से तो मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं वही बताऊंगा आपको TV9 के माध्यम से, देश के लोगों को भाजपा जीतने के बाद देश के लोगों को क्या सुविधा मिलेगा। अब भाजपा 2014 से 2022 तक मोदी जी हिंदू मुसलमान के ध्रुवीकरण करने का बहुत बार कोशिश किया, लेकिन मैं जो एक पॉइंट में हर चैनल में 8 बजे से मैं कह रहा हूँ, नागालैंड में ख्रिस्टान मेजोरिटी है, ये मुसलमान के खिलाफ कहते हैं, ख्रिस्टान के खिलाफ कुछ नहीं है, सिख के खिलाफ नहीं है, बौद्धिस्ट जैन के खिलाफ कुछ नहीं कहते, लेकिन सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कहते हैं, हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण का जो कोशिश करते हैं। आप बता दीजिए, लेकिन बादल देवनाथ जी फिर आप इसका जवाब भी दीजिए कि टीएमसी बंगाली नॉन बंगाली की पॉलिटिक्स करती है, त्रिपुरा में फिर जो बड़ी संख्या में बंगाली हैं वो क्यों टीएमसी की तरफ नहीं आए हैं, या उन्होंने आपको विकल्प के तौर पर देखा भी नहीं है? ये तो मेरा हमारा व्यस्तता है, मैं हम लोग कुछ मीटिंग किया, सभा किया, सब कुछ किया, लोगों के पास गया, लेकिन त्रिपुरा में लोगों के साथ बात किया, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ आप जानते हैं। लेकिन त्रिपुरा में जो हुआ इलेक्शन के दिन, इलेक्शन तो करने नहीं दिया, इलेक्शन तो वो तो अलग से पूरा बूथ जैम करके इलेक्शन कर लिया भाजपा ने त्रिपुरा में। लेकिन जो बात मैं बार बार कहना चाहता हूँ हर चैनल में, नॉर्थ ईस्ट में जो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका में भाजपा ने आज तक कुछ किया कि नहीं, पहाड़ी लोगों का जो बीमार है, लेकिन दिल का दर्द है जो, उसके लिए वो लोग कुछ नहीं करते, लेकिन भाजपा लेकिन बादल देवनाथ जी इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे जो एक्सपर्ट मौजूद हैं उनसे भी, हमारे एक्सपर्ट्स जो यहाँ मौजूद हैं उनकी राय भी ले लेते हैं। आप ये कह रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में कुछ नहीं किया है, ट्राइबल बेल्ट में कुछ नहीं किया है, लेकिन ट्राइबल बेल्ट के लिए बीजेपी का ऐसा कहना है और बीजेपी की जो पॉलिसीज है उनके मुताबिक उन्होंने बहुत कुछ किया है और वो नतीजों में भी दिखाई दे रहा है। अशोक मांकेड़, यदि उन्होंने कुछ किया नहीं बीजेपी ने, तो फिर इसको आप वोटर्स को बताने में सक्षम क्यों नहीं रहे? क्या आपको लगता है नॉर्थ ईस्ट का वोटर इतना नासमझ है कि कुछ नहीं किया फिर भी वोट दे रहा है? आपका मेघालय में जो प्रेजेंस है, वो प्रेजेंस आपने सीधा सीधा कांग्रेस से लोग उठा के लिया, वहाँ तो आप तो पहले थे ही नहीं, वो तो उधार के सिंदूर पे है आप मेघालय में, और उसके बाद भी कांग्रेस वापस 5 सीट पे आ गई, कुछ ना कुछ तो अपनी जमीन ढूंढ ली है। सबकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। गौतम लाहिरी जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी, जो तस्वीर अभी उभर रही है उसमें टीएमपी देखिए वापस 11 पे आ गई, यानी ट्राइबल बेल्ट में भी बीजेपी को मिल रही है सीटें, निश्चित तौर पर मिल रहे हैं, और टीएमसी को वहाँ पे नोटा से भी कम वोट मिला है। मेरे जो चुनाव आयोग का जो आंकड़ा देखा अभी, नोटा ने 1% से ज्यादा वोट मिला, टीएमसी को 1% से कम मिल रहा है।
तो मतलब जो भरोसा दिलाना है जनता को, वो देने में कई कमियां रही होगी। बात हो सकता है कि बाद में लड़ेंगे वो अलग बात है, लेकिन मेघालय में जो है वो भी जितना अच्छा ये है कि 5 सीट अभी तक शायद वो आगे चल रहा है, 5-6 पता नहीं, लोकल चैनल कुछ दूसरा कुछ बोल रहा है, ठीक है। फिर भी जो नया जो खाता खुला है निश्चित तौर पे टीएमसी के लिए एक बढ़त है, ऑल इंडिया नेशनल पार्टी बनने के लिए।